Hello friends, today I am going to discuss about 5 best Chrome extensions for SEO. ऐसे 5 best Chrome extension जो कि आपके ब्राउज़र में होना बहुत ही mandatory है, बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपनी किसी भी वेबसाइट की ऑडिट कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में आप बहुत ही हेल्पफुल हैं ये टूल्स, ये आपके ब्राउज़र में ये एक्सटेंशन ज़रूर होने चाहिए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे. तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, गूगल क्रोम का जो वेब स्टोर है उसने ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जो कि एसईओ की हेल्प के लिए, एसईओ एफर्ट्स लगाने के लिए हमारे को फ्री प्रोवाइड कर रखे हैं. और उन टूल्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट की एनालिसिस, हम अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से रैंक करा सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट की कमियों को देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनका क्या अभी ड्रॉबैक है जो कि वो हमारे रैंक नहीं कर पा रहे हैं. तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं इन सारे एक्सटेंशंस के बारे में यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इन एक्सटेंशंस को कैसे यूज़ करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर इस रेड बटन पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, इससे हमारे सभी आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. सो माई फर्स्ट टूल इज़ SEO क्वेक. ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब SEO क्वेक कैसे आपको एक्सटेंशन को ऐड करना है. तो जस्ट आपको गूगल पे लिखना है SEO क्वेक, यहाँ पर आपको ये पहला URL मिलेगा, SEO क्वेक अ पावरफुल SEO टूल फॉर योर ब्राउज़र. ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आपको इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा. तो ये है बेसिकली SEO क्वेक. तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ. SEO क्वेक से आप क्या क्या कर सकते हैं, इससे आप ऑन पेज SEO ऑडिट कर सकते हैं रियल टाइम, वो भी कि क्या आपका पेज का रियल टाइम ऑन पेज SEO ऑडिट कर सकते हैं. इससे इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और डोमेन एंड URLs को भी आप चेक कर सकते हैं कि उसका क्या DAPA है, क्या अभी उसके क्वालिटी बैकलिंक कितने हैं, क्या है, वो सब कुछ आप चेक कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो. तो अभी बात करते हैं इंस्टॉल करने की. यहाँ इंस्टॉल आपको यहाँ पे क्लिक करना है. जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये ओपन होने के बाद यहाँ पर मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर इसलिए आपको ऐड ऑन का नहीं आ रहा है मेरा. तो यहाँ जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐड ऑन का आएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे इस तरह से आपका ये SEO क्वेक ऐड हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर आपने ये एक्सटेंशन सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है. अब इसका मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कि इसे हम यूज़ कैसे करते हैं. तो मैं यहाँ पर डालता हूँ एक कीवर्ड जो कि है हॉलीडे ट्रिप. मैं यहाँ पर हॉलीडे ट्रिप डाला. तो जब हम हॉलीडे ट्रिप हमने गूगल पे ये कीवर्ड हमने डाला तो यहाँ पर ये SEO क्वेक आपको इस तरह से शो होगा. इसको आप बटन को ऑन कर लेना है और यहाँ पर ये अब आपको सारी चीज़ें आपको बताएगा. ठीक है, तो यहाँ SEO क्वेक आपको पूरे पैरामीटर्स बताएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी देख रहे हो कि ये हॉलीडे ट्रिप पे जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 70.34% है गूगल के डेटाबेस के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा है. तो इस पर काफ़ी, यानी कि लोग इस हॉलीडे ट्रिप पे इस कीवर्ड पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं आपको पैरामीटर्स शो करके दिखाता हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखो आप गूगल इंडेक्स की रैंकिंग देख सकते हो कि गूगल इंडेक्स क्या है, याहू इंडेक्स क्या है, ये सारा आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो आपको क्या क्या देखना है. हु इज़ डेटा भी आप देख सकते हो. मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लिया है. तो यहाँ मैंने सारी पेज की फेसबुक लाइक्स कितने हैं इसके ऊपर, पिंटरेस्ट पे काउंट कितना है अभी तक यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, है ना. और भी काफ़ी सारे इंडेक्स है, बेदू इंडेक्स है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो. तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये इस टूल की हेल्प से आ रहा है, ये सारी जो ये पैरामीटर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसके हेल्प से दिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो यहाँ सारा जो अभी एनालिसिस होके आ रहा था वो चला गया. तो इसको आप ऑन करना मत भूलना. ठीक है, तो यहाँ आपको पूरी की पूरी आपको एनालिसिस दिख रही है. देखो मैं यहाँ से चलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे गूगल में इसकी जो ये रैंक है यहाँ पर वो आपको शो कर रहा है. ठीक है, याहू में शो कर रहा है आपको, यहाँ पे बिंग में है, यहाँ पर एलेक्सा रैंक इसकी कितनी है, पिंटरेस्ट पे इस पर कोई पिन शेयर नहीं हुआ अभी तक. ठीक है, फेसबुक पे अभी ये अवेलेबल नहीं है ये वाला. ठीक है, ये वेबसाइट का नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है. तो इसी तरह से आप सारे URLs को आप चेक कर सकते हो. यहाँ पे yatra.com है,
ये आप सारा पूरा एनालिसिस कर सकते हो, इसकी एलेक्सा रैंक क्या है, आपकी गूगल रैंक क्या है, आपका इंडेक्स क्या है, याहू रैंक क्या है, यहाँ पे सारी आप चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अब मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर इसका सर्प रिपोर्ट देखना है तो यहाँ सर्प रिपोर्ट देख सकते हो, ये यहाँ पर सर्प लिंक्स हैं से रिलेटेड। तो यहाँ जो पहला पेज है इसका सबसे रैंक नंबर वन यहाँ पे मेक माई ट्रिप का है, और यहाँ पर आपको सारी की सारी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगी, इस तरह की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस में आपको ये मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेक माई ट्रिप हॉलीडेज इंडिया है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि पिंटरेस्ट पिन काउंट जीरो है, गूगल में इसकी इंडेक्सिंग ये रैंक दिखा रहा है गूगल इंडेक्स में, यहाँ पे याहू इंडेक्स दिखा रहा है, बिंग इंडेक्स दिखा रहा है इंडेक्सिंग इसकी, है ना, एलेक्सा रैंक दिखा रहा है। हुईज़ डेटा देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका हुईज़ डेटा देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे सैमरश की आपका रैंक दिखा रहा है, तो ये पूरी डिटेल्ड एनालिसिस है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो CSV फॉर्मेट में, यानी कि एक्सेल का ही फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो। सेकेंड गूगल एक्सटेंशन है मेरा गूगल सर्प काउंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कीवर्ड पर वेबसाइट की रैंक पता करना चाहते हो कि कहाँ जा रही है। तो देखो इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं बताता हूँ, और इसका कैसे यूज़ है। तो जस्ट टाइप गूगल सर्प काउंटर ऑन द गूगल सर्च इंजन, तो यहाँ ये पहला आपको लिंक मिलेगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ये गूगल सर्प काउंटर का इंटरफेस मिलेगा। मैं ऑलरेडी इसे इंस्टॉल्ड कर चुका हूँ, मैं इसको यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, इसलिए आप यहाँ पर इसको एड ऑन कर लें, मेरे में ऑलरेडी एडेड है। तो अब इसको मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। जब आप ऐड कर लोगे तो यहाँ पर इस तरह का आपका गूगल सर्प काउंटर का यहाँ पर आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कोई कीवर्ड डालता हूँ हॉलीडे ट्रिप इन गोवा, तो यहाँ मैंने एक कीवर्ड डाला हॉलीडे ट्रिप इन गोवा, तो यहाँ इस टूल की हेल्प से मैं पता कर सकता हूँ कि हमारा ये जो रैंक है इस पे इस कीवर्ड पे वो रैंक कैसे कर रहे हैं वेबसाइट जितने भी हैं। देखो सबसे पहला जो वेबसाइट आया है इस पर वो आया है yatra.com का, ठीक है। तो जब आपने हॉलीडे ट्रिप इन गोवा ये कीवर्ड आपने डाला गूगल सर्च इंजन पे, तो नंबर वन रैंक यहाँ पर देखो शो कर रहा है yatra.com। सेकेंड जो रैंक है इस कीवर्ड पे वो है आपकी यहाँ पे thomascook.in, एक वेबसाइट है उसकी है thomascook.in, एंड द थर्ड वन इज़ makemytrip.com। ओके, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे makemytrip इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, इसी तरह से आप पता कर सकते हैं। देखो मैं आपको अपना एक कीवर्ड दिखाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू गेट अनलिमिटेड ट्रैफिक ऑन वेबसाइट यूजिंग क्वेश्चन हब। तो यहाँ मेरा ये मैं वीडियोस को सेलेक्ट करता हूँ, और हम यहाँ पे वीडियोस का भी रैंक पता कर सकते हैं कि क्या है। तो देखो यहाँ पर मेरा एक रैंक जो है वीडियो का मैं दिखाता हूँ आपको, पहला रैंक ये है आपका। तो यहाँ अगर हम पता करते हैं तो मेरा यहाँ पे सातवां रैंक है, यहाँ पे सातवां रैंक मेरा इस वीडियो का आ रहा है, गेट अनलिमिटेड फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। मैंने इस ट्यूटोरियल में आपको बताया है कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पर अनलिमिटेड ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, अपलोडेड बाय iBigDoo टेक जोन, हमारे इस चैनल से हमने इस वीडियो को अपलोड किया है, और ये हमारा बहुत ही अच्छा गूगल पे रैंक भी कर रहा है। तो यहाँ आपने पता कर लिया है कि ये जो वीडियो है वो आपका सेवन्थ नंबर पे रैंक कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है सर्प टूल, तो इस टूल को आप ज़रूर अपने एक्सटेंशन को इसको अपने ब्राउज़र में ऐड कर लें, इसकी हेल्प से आप किसी भी कीवर्ड पे आप अपने रैंक चेक कर सकते हैं कि किस कीवर्ड पे वेब पेज की क्या क्या रैंक आ रही है। सो माय थर्ड टूल इज़ लाइटहाउस, ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, ये गूगल ने प्रोवाइड किया है, फ्री एक्सटेंशन टूल है, ये अपने ब्राउज़र में ज़रूर ऐड कर लें गूगल क्रोम में, क्योंकि ये टूल आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कैसे इसे इंस्टॉल करेंगे। और तो ये हमारा तीसरा एक्सटेंशन लाइटहाउस एक्सटेंशन, यहाँ आप डालोगे तो ये गूगल का ऐड ऑन करने के लिए आएगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर ये लाइटहाउस यहाँ पर एक्सटेंशन आ जाएगा। तो यहाँ देखो मैं आपको इसको ऐड करके दिखाता हूँ, अभी तक मैंने आपको सारे जो एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी ऐड कर रखे थे, यहाँ पे मैं आपको ये एक्सटेंशन ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ ऐड एक्सटेंशन लाइटहाउस हैज़ बीन एडेड टू क्रोम, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, ठीक है। और हम इसे यूज़ करना चाहते हैं इस एक्सटेंशन को, तो हम यहाँ पर जाके इसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर,
और हम इस एक्सटेंशन को यूज़ करके देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे डाला मेक माई ट्रिप, और मैं मेक माई ट्रिप की वेबसाइट के जितने भी URLs हैं उनको एनालिसिस कर सकता हूँ। तो गूगल ने ये एक्सटेंशन बहुत ही अच्छा दिया है, ये फ्री है। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट के, अपने किसी भी ब्लॉग के URLs को एनालिसिस कर सकते हो, और यहाँ देख सकते हो कि आपका किस तरह का पेज परफॉर्मेंस है, और ये आपको रिकमेंड करेगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट के इस URL को, इस वेब पेज को आप इम्प्रूव कर सकते हो। ये आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। ये वेबसाइट ओपन हो गया है, और यहाँ पे मैंने लाइट हाउस पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जनरेट रिपोर्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लाइट हाउस आपकी एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। तो यहाँ इस वेब पेज की पूरी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। तो ये जो टूल है बेसिकली ऑन पेज यानी कि टेक्निकल SEO, ऑन पेज टेक्निकल SEO में बहुत हेल्पफुल है। ये आपको पूरा स्कोर देता है कि आपकी क्या वेब पेज की क्या परफॉर्मेंस है, है ना। तो यहाँ पे इस वेब पेज की परफॉर्मेंस 46 है, क्या एक्सेसिबिलिटी है और क्या इसका SEO स्कोर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर ये हमने अभी डेस्कटॉप के लिए हमने ये चेक कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखो आपकी स्पीड इंडेक्स दिखा रहा है, यहाँ पे स्पीड इंडेक्स जो कि 6.6 सेकंड इसको वेब पेज को लोड होने में टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा सकता है कि कहाँ पे आपका ये जो वेब पेज है ब्लॉक टाइम यहाँ पे कहाँ कंज्यूम हो रहा है आपका ये। तो हम इस तरह से अपना ये टेक्निकल SEO इस वेब पेज का हम कर सकते हैं, और अपने वेब पेजेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ ये पूरी रिपोर्ट इसने पूरा डायग्नोसिस करके पूरा रिपोर्ट एक जनरेट कर दिया है। तो यहाँ आप इसी तरह किसी भी वेब पेजेस की रिपोर्ट को आप जनरेट कर सकते हो, और वहाँ आप उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है जो कि टेक्निकल SEO करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। माय फोर्थ SEO क्रोम एक्सटेंशन इज़ मौजबार। मौजबार ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है प्रोवाइडेड बाय मौज। तो इस मौजबार एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर जस्ट गूगल पर टाइप करें, और मौजबार यहाँ पर आपको यहाँ पर शो होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मौजबार इस इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप ऐड टू क्रोम करके कर सकते हैं। और मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसको ऐड कर चुका हूँ, और मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। और पर्सनली मेरे को ये माउस बार जो है बहुत पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे को बता देता है, जैसे कि डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी के बारे में बता देता है। तो मैं आपको इसको यूज़ करके बताता हूँ। और अगर आपको डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी के बारे में नहीं पता है, तो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने डोमेन अथॉरिटी के बारे में डिस्कशन किया है बहुत डिटेल में, वहाँ जाके आप मेरे चैनल पे डोमेन अथॉरिटी का वीडियो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये वेबसाइट की एनालिसिस कर रहा हूँ, ये एक टूरिज्म की वेबसाइट है। तो यहाँ आप जब कोई वेबसाइट का URL डालते हो, तो यहाँ पर जब आप इस पर माउस बार पर इस पर एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे, तो ये आपको इंस्टेंटली आपको इसका पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी स्कोर आपको बता देता है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है वो 87 है, इट्स वेरी गुड। एंड यहाँ पे पेज अथॉरिटी जो है यहाँ पे 37 है। तो यहाँ आप इस तरह के पैरामीटर्स को आप देख सकते हो, स्पैम स्कोर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1% है। तो वेबसाइट जो है बहुत अच्छी तरह से इंडेक्स हो रखी है, इस पर बहुत अच्छा वर्क हुआ है SEO पूरा ऑफ पेज एंड ऑन पेज। तो यहाँ अब आप और भी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप पेज एनालिसिस देख सकते हो कि यहाँ पे क्या पेज एनालिसिस है, URL आपका कितने करेक्टर का है, पेज का टाइटल कितने करेक्टर का है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स यहाँ पर क्या यूज़ करे गए हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, H1 टैग, H2 टैग यहाँ पे सब देख सकते हो आप कहाँ यूज़ करा है H1 H2 का। तो ये काफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छा ये एक एक्सटेंशन है जो कि आपको इंस्टेंटली आपको पेज एनालिसिस बता देता है, आपको कहीं रीडायरेक्ट नहीं होना पड़ता किसी और पेज पे, सेम पेज पे आप पूरी आप उसकी एनालिसिस कर लेते हो। तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये मौजबा जो ये टूल है एक्सटेंशन है इसको ज़रूर यूज़ करें, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है SEO करने में। Now the last one and the best that is Hunter tool. ये जो Hunter extension tool है ये आपको email extract करने में बहुत helpful होने वाला है। इस tool की help से आप अपने niche के ऊपर यानी कि जो आपका website या blog है जिस topic पे है जिस niche पर है वहाँ आप अपने उस author के email ID निकाल सकते हो, वहाँ contact कर सकते हो कि भाई मेरे को आप quality backlink दे दो। वहाँ से आप जब quality backlink लोगे तो आपकी website बहुत जल्दी rank करेगी उस topics पर उन niche पर। तो इसलिए ये मेरा एक फेवरेट टूल है Hunter टूल, जो कि मुझे बहुत हेल्प करता है क्वालिटी
बैकलिंक लेने में मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मेरे जितने भी मेरे वेबसाइट्स हैं उनके मैं रिलेटेड टॉपिक्स फाइंड करता हूं और वहां से ईमेल एक्सट्रैक्ट करता हूं और उनको ईमेल मैं सेंड करता हूं। तो ये बहुत ज़रूरी है ये टूल, ये आपको बहुत ही क्वालिटी बैकलिंक दिखाएगा। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे जितना शेयर हो सके इसको शेयर करना, जिससे कि हमें आपका पूरा सपोर्ट मिले। और लास्ट में मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा कि कमेंट बॉक्स में ये डाल के ज़रूर बताना कि आपको इसमें सबसे अच्छा बेस्ट टूल कौन सा लगा। तो मैं आपका वेट करूँगा कि आपको कौन सा बेस्ट टूल लगा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना।